गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम एक फिजिकल एक्सरसाइज के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि रनिंग हमारी जो एक फिजिकल फिटनेस उसे तो इंप्रूव करती है, लेकिन साइंटिफिकली आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या रनिंग हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करती है, एंड दैट इज द फैक्ट। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाई जा सके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई इट मैटर्स। आप जानते हैं कि जहां तक फिजिकल बेनिफिट्स का सवाल है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दैट रनिंग हमारी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करती है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है एंड ये फैक्ट बिल्कुल ग्राउंडेड है कि जो रनिंग है इज एसोसिएटेड विथ मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ये हमारी सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करती है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, ये हमारा जो मूड है उसे इंप्रूव करती है, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं उसे रनिंग कम करती है। इन ये सही बात है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी की लेवल को कम करती है। साइंस ने ऐसा भी माना कि जहां तक स्लीप का सवाल है, रनिंग हमारी स्लीप को इंप्रूव करती है, ये हमारी एनर्जी की लेवल को बढ़ाती है, ये हमको बेटर फोकस करने में इंप्रूव करती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमें इमोशनली बूस्ट करके रखती है। जो दौड़ने वाले हैं या रनर्स हैं वो जानते हैं कि देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज रनर्स हाई। ये जो रनर्स हाई है ये हमको इमोशनली बूस्ट करके चलती है। नाउ क्या हमारा जो ब्रेन है इसमें कुछ चेंजेस करती है? नाउ साइंस ऐसा मानती है कि रनिंग बेसिकली इज लाइफ। जैसे आप फिजिकली अपने आप की बॉडी को ट्रेन करते हैं, रनिंग आपके ब्रेन को भी ट्रेन करती है या माइंड को भी ट्रेन करती है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच चेंज। इट चेंजेस योर डिटर्मिनेशन, दैट्स नंबर वन। इट चेंजेस योर फोकस, इट चेंजेस योर एडेप्टेबिलिटी। ये आपका जो विल पावर है इसको टैप करती है, ये आपका जो सेल्फ कंट्रोल है इसको इंप्रूव करती है या इसको एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी आपको बढ़ाती है। वास्तव में जब आप रनिंग करते हैं या इस तरह की इंडोरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि यू आर एबल टू पुश थ्रू द पेन, एंड आप वास्तव में जो फटीग है उसको ओवरकम कर जाते हैं। अगर हम साइंस को देखें तो देयर इज अ जर्नल विद द नेम ऑफ फ्रंटियर्स इन द ह्यूमन न्यूरोसाइंस। नाउ इस जर्नल ने कहा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है या जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं उनमें ऐसा देखा गया कि जो कनेक्शंस हैं ब्रेन में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड सेल्फ कंट्रोल वो हमेशा बेटर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक रनिंग की हैबिट है तो आपके ब्रेन में वो जो कनेक्शंस हैं विच आर मेंट फॉर मेमोरी एंड सेल्फ कंट्रोल दे इंप्रूव। साइंस ने ऐसा भी माना कि इन एनिमल्स जो रनिंग वो करते हैं तो वास्तव में उनके जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रनिंग से न सिर्फ संख्या में बढ़ती हैं, उनकी एक्टिविटी इंप्रूव होती है, इन उनकी जो एक डेंसिटी है वो भी इंप्रूव होती है। बट एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न ये रिसर्च इज ऑन गोइंग। नाउ इफ वी लुक इनटू दैट द साइंटिस्ट लैटिन इवानोव, व्हाट डज ही से? He says that running basically stimulates the growth of new gray matter in the brain. इसका मतलब यह है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका जो ब्रेन है उसका ग्रे मैटर का जो एरिया है या साइज है वो बढ़ती है। आप जानते हैं कि जो ग्रे मैटर है वो हायर फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है, एंड जो व्हाइट मैटर है वो बेसिकली मोटर फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप रनिंग करते हैं तो ये आपके ग्रे मैटर की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है। इवानोव का ऐसा मानना है कि जस्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ दी रनिंग बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स को डेवलप करा देता है या इंप्रूव करा देता है। इट ऑल्सो सेज एंड साइंटिस्ट ऑल्सो सेज दैट योर ब्रेन स्टेज मोर फोकस्ड एंड एडेप्टेबल। इसका मतलब यह है कि इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रनिंग से बहुत सारे मेंटल चेंजेस एंड मेंटल बेनिफिट्स आते हैं। नाउ हम अलग अलग मेंटल जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि रनिंग कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी जो बॉडी है बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स एक्चुअली प्रोड्यूस करती है। व्हाट आर दीस फील गुड हार्मोन्स? दे आर डोपामिन, दे आर सेरोटोनिन, दे आर ऑक्सीटोसिन। जब इनका लेवल बढ़ता है तो वास्तव में आपका लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ स्ट्रेस वास्तव में कम हो जाता है। नाउ ये बात सही है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर आप डेली रनिंग करते हैं या इंडोरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंप्रूव होता है। वो कैसे इंप्रूव होता है कि से फॉर एग्जांपल आपने एक गोल बनाया कि मैं 10 किलो वजन कम करूंगा। नाउ इफ यू गो फॉर रनिंग एंड ग्रेजुअली अगर आपका वेट लॉस होता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने अगर एक गोल बनाया कि मैं 6 किलोमीटर रोज दौड़ूंगा, तो जैसे जैसे आप अपने गोल के नजदीक पहुंचते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। आपका कोई एक पर्सनल रिकॉर्ड है दैट आई वाज रनिंग 30 मिनट्स में 6 किलोमीटर रन करता था, आप अगर 7 किलोमीटर रन करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। यह भी बात सही है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका फिटनेस की ओन इमेज एंड आपकी जो खुद की बॉडी इमेज है वो इंप्रूव होने के चलते आपका एक जो मेंटल परसेप्शन है वो बेटर होता है एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये भी बात सही है कि अगर आप रनिंग करते हैं या एंडोरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो मूड है वो स्टेबलाइज होता है। साइंस ऐसा मानती है कि रनिंग या एंडोरिंग एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में बेसिकली बहुत सारे एंडोर्फिन्स सीक्रेट होते हैं विच आर बेसिकली needed for stabilizing the मूड। तो ऐसा माना गया है कि अगर आपको एंजाइटी है, पैनिक है या मूड डिसऑर्डर्स हैं और आप फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो इट इंप्रूव्स एवरीथिंग। नाउ जहां तक स्लीप की क्वालिटी और स्लीप के ड्यूरेशन का सवाल है, जो एक्सरसाइज है या रनिंग है इट डेफिनेटली हेल्प्स। साइंस ऐसा मानती है कि इन दोज पेशेंट जिन्हें इंसोम्निया की शिकायत है, अगर आप उनको फिजिकल एक्सरसाइज में वास्तव में एनहांस करते हैं या उनको प्रमोट करते हैं तो उनकी स्लीप की क्वालिटी, उनका स्लीप का ड्यूरेशन वास्तव में इंप्रूव होता है। अगर आप रेगुलर रनिंग करते हैं या इंड्योरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी बूस्ट होती है और एक स्टेमिना आपका बढ़ता है। एक्चुअली अगर आपका स्टेमिना बढ़ता है तो आपकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली नेचुरली बूस्ट हो जाती है। नंबर 2, आपके चूंकि स्लीप की क्वालिटी और स्लीप का ड्यूरेशन इंप्रूव होता है तो बेसिकली यू कंजर्व एंड इंक्रीज एनर्जी ड्यूरिंग स्लीप, तो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो वास्तव में बढ़ता है। साइंस ऐसा मानती है कि इवन आप अगर 20 मिनट्स पर डे रनिंग या एंड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो फटीग लेवल है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेमोरी एंड आपका फोकस, ये तीनों चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है, दैट रिसर्च ने ऐसा माना कि रनिंग बेसिकली हमारी उन कनेक्शंस को जो ब्रेन में होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड फोकस, उनको बहुत स्ट्रांग करती है। तो सिंस ये कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो आपकी मेमोरी बिकम्स बेटर, आपको फोकस बिकम्स बेटर, आपकी एडेप्टेबिलिटी बिकम्स बेटर। यह भी माना गया कि रनिंग के चलते आपकी जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं, अभी तुरंत ही मैं दूसरा काम करना चाहता हूं, तो shifting the focus from this work to this work is basically cognitive flexibility। and science ऐसा मानती है कि अगर आप रनिंग करते हैं आपका memory and focus improve होता है तो आपकी जो cognitive flexibility है वो भी improve होती है। now जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें एक कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है इसको आपको समझने की जरूरत है। इस कॉग्निटिव डिक्लाइन के चलते ही जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, बहुत सारे जो एक काम है जो बहुत शार्पनेस रिक्वायर करते हैं वो धीरे धीरे आपके कम होने लगते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप डेली रनिंग करते हैं, अगर आप इंड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो पॉसिबली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो आपके ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उसकी साइज बढ़ती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इट इंप्रूव्स ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं आपकी सेल्स में उनको बेटर ब्लड फ्लो मिलेगा तो बेटर ऑक्सीजन मिलेगी, बेटर ऑक्सीजन मिलेगी तो बेटर कनेक्टिविटी होगी एंड बेटर कनेक्टिविटी होगी तो बेटर एक्शंस होंगे। नंबर 3, जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो वास्तव में उसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं प्रोटीन्स के वो एनहांस होते हैं, और सिंस ये एनहांस होते हैं तो जो ब्रेन की एक्टिविटी है वास्तव में इंप्रूव होती है। कितनी इंपॉर्टेंट है तो कितनी करनी चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप 30 मिनट्स रनिंग डेली करते हैं ऑन अ वर्किंग डेज, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू लुक एट द अमेरिकन गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, व्हाट दे सेड दैट आपको मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक 150 मिनट करनी चाहिए। अगर आप विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 75 मिनट्स पर वीक करना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज ऑन अ वीक डे अगर आप 30 मिनट्स जो ना रनिंग करते हैं तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ help and lot of improvement in the mental health। The intensity is important। Intensity इसकी इतनी होनी चाहिए कि आपको जो है स्वेटिंग हो, आपको हल्की सी हेवी ब्रीदिंग हो, बट यू शुड बी एबल टू टॉक। इतनी भी नहीं होना चाहिए कि आप बात ना करने पाए। नाउ अगर आप रनिंग करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि कभी आपकी जो रनिंग है बहुत ज्यादा हो जाए एंड टू मच रनिंग हो जाए? यस, इट इज पॉसिबल। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो रनिंग है वो वास्तव में ऑब्सेशन हो सकती है या एडिक्शन हो सकती है। अगर रनिंग ऑब्सेशन या एडिक्शन हो गई है तो वो आपको कभी प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आप रनिंग अपने आप को स्ट्रेच ज्यादा कर रहे हैं तो आपको मसल सोरनेस करेगी, आपको फटीग लेके आएगी। एंड सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप ज्यादा रनिंग करते हैं, एक्सेसिव रनिंग करते हैं, तो आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। एंड ये भी बात सही है कि रनिंग वास्तव में हमारे जो वो ज्वाइंट्स हैं जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स कहे जाते हैं, तो सिंस इट्स ए हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज, तो कभी कभी जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स जैसे नी ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, बैक है, इसमें आपको हल्का सा वियर एंड टियर दे सकती है। तो इसलिए रनिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट इट गिव्स यू हेल्थ बेनिफिट्स बट इट डज नॉट डैमेज और ट्रबल योर माइंड एंड द बॉडी। नाउ एट द एंड यू नो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें दैट ऑनगोइंग जो स्टडीज हैं दे हैव शोन अ वेरी क्लियर लिंक बिटवीन इंड्योरेंस एक्सरसाइज एंड ओवरऑल कॉग्निटिव वेलबीइंग। दैट मींस रनिंग हमारे जो ब्रेन की जो एक फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करती है। नंबर 2, रनिंग वास्तव में हमारे जो ग्रे मैटर है उसकी ग्रोथ को एनहांस करती है एंड ग्रे मैटर की साइज बढ़ती है। एंड आप जानते हैं कि ग्रे मैटर वास्तव में सभी हायर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जो रनिंग है वास्तव में फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। एंड ये हमारा जो मूड है उसको बूस्ट करती है। इसके अलावा कुछ एंडोर्फिन्स भी सीक्रेट होते हैं जो वास्तव में हमारे जो नेगेटिव इफेक्ट्स स्ट्रेस के होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रनिंग और फॉर दैट मैटर एनी एंड्योरेंस एक्सरसाइज आपकी जो मेंटल वेलबीइंग है उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल वेलबीइंग के लिए। तो अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर रखना चाहते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचना चाहते हैं, एंड ओल्ड एज में ब्रेन की तरफ से एकदम बिल्कुल सतर्क और वो रहना चाहते हैं, तो आपको रनिंग या एंड्योरेंस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।